साथियों, पढ़े लिखे इंटरनेशनल गधे की खोज होगी तो ऐसे गधे की फौज भारत में भारी संख्या में पड़ी हुई है। ऐसा काम करती है जो अपना जान माल आने वाली पीढ़ी को खतरे में डालकर ढोल बजाती है और जश्न मनाती है। देखिए, शिक्षा और समझदारी में यही अंतर होता है। शिक्षित होते हुए भी लोग समझदारी से काम नहीं लेते हैं, अंधी भक्ति और अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। इसलिए कहना पड़ता है, पढ़ा लिखा गधा मुर्दा पत्थर को शीश झुकाता है, अरे जिंदा देवता मात पिता को ठेंगा लात दिखाता है। जो माता पिता गुरुओं के गुरु होते हैं, देवों के देव होते हैं, भगवानों के भगवान होते हैं, भगवान तो सुख दुख दोनों देता है, लेकिन माता पिता संतान को सिर्फ सुख चाहते हैं। देखिए, पढ़ा लिखा डॉक्टर गधा जो बेटा मांगने जाता है, अरे बलात्कारी बाबा से बीबी को चेक कराता है। देखिए, हमारे देश में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे गधे डॉक्टर हैं जो बलात्कारी बाबाओं के पास जाकर के बेटा की मांग करते हैं। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ये बाबा एक्सरे करेंगे, कि अल्ट्रासाउंड करेंगे, कि एमआरआई करेंगे, कि सीटी स्कैन करेंगे। बाबा को एक नंबर का मशीन जान लेते हैं, बेटा देने वाला। घर पर नींबू मिर्चा टांगी शाम से सीना तान रहा, अरे पढ़ा लिखा इंजीनियर गधा भूकंप रोधी जान रहा। भारत के इंजीनियर भी ऐसे ऐसे गधे हैं जो अपने दरवाजे पर नींबू और मिर्चा टांगे हैं। इंजीनियर होकर के उसको ये पता नहीं है कि नींबू और मिर्चा आधी तूफान को रोकेगा कि भूकंप को रोकेगा। पढ़ा लिखा अधिवक्ता गधा संविधान भुलाता है, अरे बलात्कारी बाबाओं से अपना केस दिखाता है। साथियों, कानून पढ़ा वकील जानता है कि बाबा ज्यादा संविधान के जानकार है, चमत्कार कर देंगे, हम केस जीत जाएंगे। अगर ज्योतिष का वो चमत्कार होता तो कारगिल युद्ध से पहले बता देता, कश्मीर के पुलवामा युद्ध से पहले बता देता, आतंकवादी कहाँ बम फोड़ेंगे पहले बता देता, घोटालेबाज कब घोटाला करेंगे पहले बता देता। पढ़ा लिखा नेता गधा भारत में आला आला है, अरे बलात्कारी बाबाओं का तेल लगाने वाला है। चुनाव आते ही बलात्कारी बाबाओं के पास हाथ दिखाने नेता लोग भी पहुंच जाते हैं। जानते हैं कि बाबा चमत्कार कर देंगे, हम जीत जाएंगे, कुर्सी का दीदार हो जाएगा। इतना ही नहीं, जतरा बनता गधा से सब शिक्षित कहने वाला है, अरे इंसानों से उत्तम जाने गधा शुभ निराला है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भारत के कहते हैं कि गधा को देखने से जतरा बन जाता है। देखिए, घर से माता पिता कहीं गुरु का दर्शन करने से जतरा नहीं बनता है, माता पिता से भी बड़ा मान लेते हैं लोग गधा को। अगर गधा को देखने से जतरा बन जाता तो सरकार संसद के सामने गधालय बनवा देता। सभी मंत्री, विधायक, एमपी, बड़े बड़े अधिकारी अपने दरवाजे के सामने एक गधा पोस करके गधालय बनवा लेते कि नहीं। जतरा खराब करत सियारे, खराब करत बिलारे है, ट्रक बस वाला डर जाता, गाड़ी रोकत बेचारे है। देखिए, पढ़े लिखे ड्राइवर भी बस चला रहा है, ट्रक चला रहा है, सियार बिलार को देखते कहता है कि जतरा खराब हो गया, क्या रोड गड्ढा हो जाता है, कट जाता है, वहां पे नहर खुल जाती है। नहीं, डर से अगर सियार को देखने से जतरा खराब होता तो सरकार पकड़वा करके सियार और बिलार को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा देती कि सभी दुश्मनों का जतरा हमेशा खराब रहे। इतना ही नहीं, लगता है खरवास महीना शादी कोई रचाएगा तो मुंह छुछुन्नर पैदा होंगे, घर परिवार नसाएगा। देखिए भारत का हाल। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं
कि खरवास महीने में कोई मुसलमान भाई, हिंदू भाई या सिख ईसाई भाई शादी कर लेता है तो क्या उसके घर में मूस छुछुंदर पैदा होते हैं कि इंसान का बच्चा ही पैदा होता है। आपसे सवाल है कि खरवास भाई में लगता है कि भतार में, नैहर में, कि ससुरार में, जीजा में, कि सार में, पतले में, कि मोटवार में, ऊपर की नीचे, आगे की पीछे, अगल बगल की पीछे, कहां लगता है। दिन वैसा ही होता है, रात वैसा ही होता है, रोटी वैसा ही होता है, भात वैसा ही होता है, और मियां बीवी से बात वैसा ही होता है, खरवास और ग्रहण कहां लगता है, अब आप बताएं। ये हमको और आपको दिग्भ्रमित किया गया है, भरमाया गया है, डराया गया है। इस अंधविश्वास से आप दूर होवे, अंधी भक्ति से दूर होवे। आपका बेटा भाई श्री गोपाल सिंह मौर्य ऐतिहासिक धरती चौसा बक्सर विहार से अर्जु विनती रिक्वेस्ट गुजारिश प्रार्थना करता है कि सारे भारत के भाई बहनों अंधविश्वास से दूर होवे, अंधी भक्ति से दूर होवे। जय विज्ञान, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान, जय फूले, जय सावित्री बाई, जय साहू जी महाराज, जय पेरियार जी, जय बाबा साहब, जय भाईचारा, जय राष्ट्रवाद, जय माता पिता। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।